इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर उसके बाद ट्रॉफिक लेवल क्या होता है वो डिफिनेशन विद डायग्राम कंप्लीट समझने वाले हैं फिर उसके बाद फूड चेन का कॉन्सेप्ट समझेंगे डिफिशन समझेंगे फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन हमारे पास ग्रेजिंग हुआ पैरासैटिक हुआ डिटेराइटस फूड चेन वो सारे टाइप्स को समझेंगे विद डायग्राम फिर उसके बाद फूड वैप को भी डिस्क्राइब कर लेंगे फिर फूड वैप में हमारे पास लोटा लम्डा गामा लिंक क्या होता है वो सारा कंप्लीट समझने वाले हैं फिर लास्ट में हम लोग जो है ना इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या आपका इम्पोर्टेंट होता है फूड चेन और फूड वेब का इकोसिस्टम में वो हम लोग है ना इस वीडियो में कंप्लीट समझें चलिए सबसे पहले अगर हम ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन में वॉड ट्रॉफिक की बात करें तो ये ग्रीक वॉर्ड ट्रॉफिकोस मीनिंग फूड आर न्यूट्रिशन होता है याद रखिएगा और ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन इलास्ट्रेट मीन्स बताता है कि हिरारेकल फ्लो ऑफ एनर्जी एंड एन न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड थ्रू तो फूड चेन एंड फूड वेब इन एन इकोसिस्टम यहाँ पे नीचे डायग्राम देखिए कि एक फूड चेन है जिसमें हमें ये चीज़ पता चल रहा है कि सन से ग्रास के पास एनर्जी आता फिर ग्रास जो है ना ग्रास से एनर्जी ट्रांसफर होता है ग्रास ऊपर में फिर फ्रॉक में फिर स्नेक में फिर ईगल में तो एक हिरारकी दिखा रहा है सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है ना आपका ग्रास के अंदर है तो यहाँ पे इसी की जो होना ना फ्लो ऑफ एनर्जी को हम ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जिस तरह से एक स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल के पास सबसे ज़्यादा पावर होता है फिर वाइस प्रिंसिपल फिर टीचर फिर कल रख तो उसी तरह से फूड चेन के हिरारिकल फ्लो ऑफ एनर्जी जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है ना जिसके पास वो पहले होता इसी को ही हम ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और याद रखिएगा ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन इको सिस्टम इंक्लूड डिफरेंट हमारे पास इसमें ट्रॉफिक लेवल होता है और ट्रॉफिक लेवल होता क्या है ट्रॉफिक लेवल में बी डिफाइन एज द पोजिशन ऑक्युपाइड बाई एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए फूड चेन मीन्स एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक फूड चेन में कौन सा पोजिशन जो है ना वो उसका पोजिशन है वो आपका ट्रॉफिक लेवल होता है जिस तरह से ग्रास का पहला नंबर है ग्रास ऊपर के इस फूड चेन में दूसरा है फ्रॉक का तीसरा है तो याद रखिएगा उसी को ही कौन सा पोजिशन है वो उसका ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ ट्रॉफिक लेवल हुआ फ्रॉक का थर्ड नंबर है तो हमारे पास डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल होता है एक इको एक सिस्टम में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमेशा याद रखिएगा जो प्लांट्स होते हैं जो कि एनर्जी जो है ना अपने सन से डिराइव करते हैं दैट कम्स अंडर द फर्स्ट लेवल एंड वी कॉल इट इट इन ए अट्रोट्रॉफ्स तो यहाँ पे देखिएगा इस डायग्राम में प्लांट जो है ना फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर आता है ग्रीन प्लांट्स और इन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं फिर तो जिनको प्ला जो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को खाते हैं दैट वी क्वालिडी ने हर वी वर्स ये आपका सेकंड सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आएगा एंड वी कॉल इट इन ए प्राइमरी कंज्यूमर तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल में वो एनिमल्स आएंगे जो कि घास को खाते हैं फिर उसी तरह से थर्ड ट्रॉफिक लेवल में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो कि आपके हर वर्स को खाते हैं यहाँ पर देखिएगा मान लीजिए ये फॉक जो है ना रेबिड को खाता है तो ये क्या हुआ इसका पोजिशन थर्ड ट्रॉफिक लेवल हुआ दिस इज द सेकेंडरी कंज्यूमर और इन्हें हम कार्निवर्स कहते हैं अब इस फॉक्स को, को कौन खा रहा है फोर ट्रॉफिक लेवल तो हमारे पास ये चीज याद रखियेगा एक ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल होता है फर्स्ट लेवल जो है ना हमेशा प्लांट्स का होता है चलिए अब हम बात करते हैं फूड चेन की तो सबसे पहले फूड चेन है क्या चीज फूड चेन में हमें ट्रांसफर या फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड कैसे होता है सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ये देखिएगा सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे देखिएगा ये जो है ना एक दूसरे को खाते हैं खाने के लिए और इन दिस वे एनर्जी ट्रांसफर होता है विद रिपीटेड ईटिंग ग्रास ऊपर लगातार ग्रास खाता है एंड बीइंग ईटन बाय अदर इस ग्रास ऊपर को फिर फ्रॉक के द्वारा खाया जाता है तो इन दिस वे खाने के लिए खा रहे हैं बट एनर्जी आपका ट्रांसफर होता है और याद रखिएगा फूड चेन जनरली ऐसे स्पीशीज स्टार्ट होता है जो कि किसी को नहीं खाता जैसे कि ग्रास है वो किसी को नहीं खाता ये अपना खाना खुद से प्रिपेयर करता है और एंड होता है ऐसे स्पीशीज से जिसको कोई नहीं खाता ईगल जो है ना टॉप पे है टॉप पे प्रेडेटर इसको कोई नहीं खाता तो एंड होता है ऐसे स्पीशीज से और याद रखिएगा जितने आपके ट्रॉफिक लेवल होंगे उतना नंबर ऑफ स्टेप होगा इन्हें चेन यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव स्टेप्स है तो फाइव ट्रॉफिक लेवल है तो फाइव स्टेप्स होगा आपके चेन के अब टाइप्स ऑफ चेन बेसिकली आपका फूड क्या है स्टार्टिंग में ऑन दिस बेसिस इन एन इको हमारे पास तीन तरह के फूड चेन है ग्रेजिंग फूड चेन डिटेराइटस और पैरासाइटिक तो सबसे पहले आपका आता है ग्रेजिंग फूड चेन ग्रेजिंग फूड चेन में याद रखिएगा जो स्टार्टिंग में जो आपके ऑर्गेनिज्म होंगे दैट आर दी प्लान्ट मींस ग्रीन प्लांट्स अगर कोई फूड चेन स्टार्ट हो रहा हो फिर उसके बाद एनर्जी जो है प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्सरी कंज्यूमर में फ्लो हो रहा हो इसको हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन ग्रेजिंग से याद रखिएगा ग्रासेस स्टार्ट होगा और ये कॉमन है आपके ग्रास लैंड और एक्वेटिक इको सिस्टम में और यहाँ पर याद रखिएगा ये देखिएगा फूड चेन इन इन ग्रास लैंड इको सिस्टम ग्रास स्टार्ट हो रहा है ग्रास ऊपर फ्रॉक्स निक फॉरेस्ट इको सिस्टम में ट्री है ट्री को डियर खा रहा है डियर को वॉफ डियर को जो है ना वॉफ के द्वारा खाया जा रहा है और वॉफ को जो है ना लाइन खा रहा है उसी तरह से एकवेटिक इकोसिस्टम में फ़ाइटो जो होता है ना वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक जो आपके अलगी होते हैं वो होते हैं प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना ख़ुद से प्रेफर करता है इनको जू प्लैंगटॉन्स खाते हैं जू प्लैंगटॉन को स्मॉल फिश स्मॉल फिश को लार्ज फिश तो अगर कोई भी आपका फूड चेन प्लान्ट से स्टार्ट हो रहा प्रोड्यूसर से वी कॉलरेडी डिन ए ग्रेजिंग फूड चेन और याद रखिएगा यहाँ पे जितने स्टेप्स होंगे सबसे पहले जिनको प्लांट्स को खाते हैं जो ऑर्गेज उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आता है फिर सेकेंडरी कंज्यूमर टर्सरी कंज्यूमर ये ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो में डिस्क्राइब करा हुआ है स्टार्टिंग वाले वीडियो में नेक्स्ट हमारा आता है डिटेराइटस फूड चेन ये एक ऐसा टाइप ऑफ फूड चेन है जो कि आपके डेथ ऑर्गेनिक मैटर से आपका स्टार्ट होता है डेट इज ऑल्सो एज डिटेराइटस और डेथ ऑर्गेनिक मैटर हमारा कहाँ से मिलता है हमें प्लांट से मिलता है एनिमल से मिलता है या अदर ऑर्गेनिज्म से मान लीजिए प्लांट के ऊपर एक पत्ती है अगर उसको कोई डव कव या डियर खाएगा तो वो ग्रेजिंग फूड चेन में आ गया मगर इस पत्ती जो है ना वो खाया नहीं गया वो ज़मीन के ऊपर गिर गया तो वो बाद में सड़ेगा तो डेथ ऑर्गेनिक मैटर बना अब डिटाइटर्स फूड चेन में हमने पहले कहा कि सबसे पहले क्या होता है जो पत्ती ज़मीन के ऊपर गिरा है वो सड़ेगा और वहाँ पे जो एनर्जी है ना वो डिराइव करेगा डिकम्पोजर्स आपके डिकम्पोजर्स जो है ना ये आपका फनजाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है लाइक बैक्टीरिया एंड फनजाई या लार्ज ऑर्गेनिज्म जिस तरह से आपका अर्थ फॉर्म है अब डिटेराइटर्स के ऊपर डिकम्पोजर्स फीड कर रहा फिर इन डिकम्पोजर्स को ना जो खाता है डैट वी कॉल इन ए डिट्रीवोर्स मान लीजिए अर्थ वार्म को जो है ना क्रैप खा रहा तो डिकम्पोजर से एनर्जी किस में ट्रांसफर हो रहा है डिट्री वो दैट इज द द्रैप में फिर इस डिट्री वोर्स को बाद में लास्ट में जाके प्री खाता है कोई मान लीजिए स्नैक या हॉक तो इस तरह से अगर कोई फूड चेंजिस में आपके डेथ ऑर्गेनिक मैटर इंक्लूड हो तो उसे हम कहते हैं डिटेराइटस फूड चेन और याद रखिएगा डिटेराइटस फूड चेन एंड होता है लाइक इन ए ग्रेजिंग फूड चेन विद ए टॉप कंज्यूमर एट द टॉप मीन्स टॉप कंज्यूमर हॉक जो है ना वो टॉप पे होता है ग्रेजिंग फूड चेन में तो कुल मिला के एनर्जी जो है ना ये डिटेराइटस से अल्टीमेटली फिर से ग्रेजिंग फूड चेन में जो आपका प्रेडेटर होता है उसी की तरफ भागता है तो यहाँ पर इज रिजन ए लिंक बिटवीन ग्रेजिंग एंड डिटेराइटर्स फूड चेन वाई क्योंकि लास्ट में जो प्रीडेटर्स या जो आपके टॉप आपके कंज्यूमर्स होंगे दोनों में आपके सेम होंगे इसीलिए दियर इज इन ए लिंक अब नेक्स्ट हमारा आता है पैरासैटिक फूड चेन देखिएगा पैरासैटिक फूड चेन में दियर इज इन ए सिक्वेंसरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे यहाँ पे एनर्जी जो है ना होस्ट ऑर्गेनिजम से पैरासाइड में ट्रांसफर होता है मीन्स यहाँ पे प्रोड्यूसर प्लांट्स तो होंगे प्लांट से कंज्यूमर भी होंगे पर कंज्यूमर के बाद यहाँ पे पैरसाइड जो है ना रोल प्ले करेगा और हमें पता है कि पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज़्म है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रह के अपना खाना डिराइव करता है इस डायग्राम में देखिएगा ये एक ट्री है अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर रहा है बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सनलाइट के माध्यम से मान लीजिए एनिमल्स इस ट्री के ऊपर फीड कर रहा है जो ट्री खाता है जो प्रोड्यूसर्स को खाता है दैट दड़बिलदे हरबी वर्स अब ग्रेजिंग फूड चेन में डियर से जो है ना ये वॉफ में ट्रांसफर होता था यहाँ पे ऐसा नहीं अब इस डियर के ऊपर जितने पैरासाइट्स लगे हुए हैं यहाँ पे देखिएगा टिक लगे हुए हैं ये इन टिक जो है ना इन डियर से एनिमल्स सा अपना खाना डिराइव करता है तो डियर से किस में ट्रांसफर हो रहा पैरासाइट में ट्रांसफर हो रहा है टिक में अब इस टिक के ऊपर छोटे छोटे जो है ना माइक्रोस्कोपिक पैथोजन लगे हुए बैक्टीरिया अब टिक से उसमें ट्रांसफर हो रहा एक पैरासाइट है एनिमल्स के ऊपर हाथी के ऊपर या डियर के ऊपर ये टिक है जो कि पैरासाइट है इसके ऊपर भी एक पैरासाइट लगा हुआ बैक्टीरिया अब बैक्टीरिया जो है इस टिक से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेगा तो जो पेरासाइड अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है दैट वी कॉलरेडिन हाइपर पैरासाइट और इस टाइप के जो एनर्जी जो फ्लो होता है इस टाइप के फूड चेन को हम पैरासाइटिक फूड चेन कहते हैं और यहां पे मैं अपने बुक के बारे में बताऊँ दैट इज द इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट वॉल्यूम सेकंड इससे पहले वाले बुक वॉल्यूम फर्स्ट में टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी में माइक्रोब्स क्रिप्टोगेम जिमनोसपम जो जो बुक है उसी तरह इस बुक में भी जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्क्राइब करा हुआ है ना वो ब्लड पॉइंट फॉर्म में है ये इकॉलॉजी इसी बुक का ही पार्ट है यहाँ पे देख सकते हैं और सेकेंड चीज़ इस बुक के मैक्सिमम टॉपिक का एक्सप्लेशन जो है ना आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा बुक जो है ना आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं ई बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से जाके आप चेक कर लीजिए चलिए अब हम बात करते हैं फूड वैब की देखिएगा फूड चेन में हमें पता है इज़ ए मेटर अफेक्ट और इट डस नॉट ओकर इन आइसोलेशन कहने का मतलब ये है कि अगर रियल इन्वायरमेंट अगर हम देखें तो एक फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि फूड चेन में हम ये दिखाते हैं कि ग्रास ऊपर जो हमेशा ग्रास को खाएगा ग्रास ऊपर को हमेशा फ्रॉक खाएगा फ्रॉक को हमेशा स्नैक और स्नैक को हमेशा ईगल खाएगा बट नेचर में ऐसा पॉसिबल नहीं है नेचुरल इकोसिस्टम में क्या होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फूड के ऊपर जो है ना वो फीड करता है मैनी एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड और डिफरेंट तरह के फूड चेन आपके इको सिस्टम में एग्जिस्ट करता है इस डायग्राम में देखिएगा नीचे वाले में और ये नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन को ही हम फूड वेब बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा ये ग्रासेस हैं ग्रास को जो है ना यहाँ पे देखिएगा ग्रास ऊपर खा रहा ग्रास ऊपर को जो है ना बर्ड भी खा रहा है फ्रॉग भी खा रहा फूड चेन में क्या होता है सिर्फ एक ही होता है तो यहाँ पे देखिएगा रियल इन्वायरमेंट में तो ग्रास ऊपर को बर्ड भी खा रहा है फ्रॉग भी खा रहा है तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के फूड चेन एग्जिस्ट करता है उस एट ए सेम टाइम ग्रास को रैबिट भी खा रहा रैबिट जो है ना हाव के दौरा खाया जा रहा तो डिफरेंट तरह के इंटरकनेक्टेड फूड चेन आपके रियल इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है और इसी इंटरकनेक्टेड फूड चेन को हम फूड वैब बोलते हैं जो एक्चुअल में आपका एग्जिस्ट करता है ये डायग्राम आपको एक फूड वैब दिखा रहा है और फूड वैब फूड चेन की तरफ फूड वेब प्लांट से स्टार्ट होता है और एंड जो है टॉप करने के थ्रू होता है और याद रखिएगा फूड चेन की तरह ही ये ऐसे स्पीशीज से फूड वेब स्टार्ट होता है दैट इट्स नो अदर स्पीशीज मीन्स ग्रासेस स्टार्ट होता है और एंड ऐसे स्पीशीज से होता है जो कि किसी जो किसी के द्वारा नहीं खाया जाता जैसे कि हॉक टॉप पे है तो हॉक को, को कोई नहीं खाता तो ऐसे सेम इट इज़ एंड होता है अब डिफरेंट कहाँ पे फूड चेन और फूड वेब में फूड चेन में वन इंडिविजुअल ऑक्यूपाई वन ट्रॉफिक लेवल एट ए टाइम मीन्स यहाँ पे देखिएगा इस फूड चेन में ईगल का पोजीशन फिक्स है जो कि टॉप फाइव सॉरी फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल है फर्स्ट ग्रास का सेकंड ग्रास ऊपर का ईगल का, का फिक्स है या हॉक का उसी तरह से आप इसमें देखिएगा फूड वेब में, में. यहाँ किस हिसाब से देखेंगे ग्रास ऊपर खा रहा है ग्रास ग्रास ऊपर बर्ड स्नैक यहाँ पर फिफ्थ आया आप इसी फूड वेब में देखिएगा अगर इसको ले चलेंगे हम इस फूड चेन को रेवेट रेबिड को डायरेक्ट हॉक कर रहा है तो यहाँ पे हॉक का पोजीशन अब फिफ्थ ना रह के क्या हुआ फर्स्ट पोजीशन ग्रास का हुआ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल रेबिड सेकंड और थर्ड आपका हॉक आ गया तो आपका कहने का मतलब जो है यहाँ पे कह रहा है कि आपके फूड चेन में फूड वैप में आपकी एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे हो सकता है और मोर एडेप्टिव होता है मीन्स वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को खा रहा तो मोर एडेप्टिव होगा और कुल मिला के ये कहता है कि फूड वैप Allow an organism to obtain food from different types of organism, or at lower trophic level, and इससे आपका environment में population चक होता रहता है, ठीक है? अब हमारे पास types of link in food web. एक lota link होता है. Lota link simply एक prey है और एक predator है. कुल मिलाके यहाँ पे कहने का मतलब ये यह देखिएगा. यहाँ पे grass है. Grass को grass ऊपर खा रहा है. तो सिर्फ एक single arrow है. इसे हम कहते हैं lota link. Lambda link क्या होता है? दो प्रे होता है डाइकोटोनिमसली ब्रांच होता है दो प्रे वन प्रिडेटर दो प्रे मीन यहां पे देखिएगा इस डायग्राम में ये स्नेक देखिएगा स्नेक जो है ना इसके दो प्रे है फ्रॉक को भी खाता है वर्ड को भी खाता है तो ये क्या हुआ हमारा दैट इज दिंग उसी तरह से हमारे पास गामा गामालिंग होता है गामा गामालिंग में एक प्रे है और दो प्रिडेटर है यहां पे ये एक प्रे ग्रास ऊपर एक प्रे है प्रिडिटर इनके दो हैं फ्रॉग भी खाता है बर्ड भी खाता तो इस लिंक को हम क्या कहते हैं गामा लिंक कहते हैं ठीक है तो अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहिए इससे पहले जितने भी वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड करा है जिसमें आपको विजुअल्स के साथ कलरफुल डायग्राम मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है वहाँ पे एक नॉमिनल सा चार्ज दे आप इन सारे पीडीएफ को जो है ना अपने लैपटॉप में अपने मोबाइल में परमानेंट जो है ना लाइफ टाइम के लिए डाउनलोड कर सकते हैं चलिए अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस या क्या इंपॉर्टेंस है किसी फूड चेन या फूड वेब का किसी इको में स्टडी करने के बाद हमें क्या सिग्निफिकेंस मिलता है तो हमें क्या चीज़ें पता लगता है सबसे पहले याद रखिएगा किसी इकोसिस्टम के फूड चेन को समझने के बाद हमें यह पता लगता है कि फ्लो ऑफ एनर्जीज़ यूनी डायरेक्शनल इसका कहने का मतलब यह है कि फूड चेन या फूड वेब हमेशा ट्रॉफिक लेवल वन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा फिर उसके बाद सेकंड ट्रॉफिक लेवल कंज्यूमर में जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर में फिर उसके बाद थर्ड ट्रॉफिक लेवल तर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर फिर उसी तरह से टॉप कॉर्नीवर्स में आपका फूड ट्रांसफर होगा तो वो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपका द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन से प्रोड्यूसर में आता है प्रोड्यूसर से आपका कंज्यूमर में जाएगा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपने कभी नहीं सुना होगा कि रैबिट जो है ना किसी ट्री ने रैबिट को खाया ये ठीक उल्टा हो गया रैबिट जो है हमेशा आपके ट्री के ऊपर फीड करेगा सेकेंड चीज़ हमें यहाँ पर पता लगता है कि टेन लॉ ऑफ लेडमेंट जिसे लॉस ऑफ एनर्जी जो है ना हर किसी स्टेप पे आपका नाइन्टी परसेंट होता है मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी प्लांट ने सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करके खाना बनाया हंड्रेड परसेंट मान लीजिए अपने आप में इसने खाना बनाया तो जब कोई घास कोई रैबिट खाएगा ना रैबिट में कितना ट्रांसफर होगा उस हंड्रेड का सिर्फ टेन तो बाकी के नाइन्टी आपके क्या हो जाता है लॉस हो जाता है देर इज़ अ लॉस ऑफ फूड एनर्जी इट ईज ट्रांसफर और दैट वी कॉल रेडी टेन परसेंट लॉ ऑफ लेडमेंट सिर्फ टेन परसेंट ही आपका ट्रांसफर होता है और यहाँ पे इस चीज़ से यह पता लगता है कि फूड चेन जितना शॉर्टर होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके इकोसिस्टम में सेकंड चीज़ मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस इलमिले के कहने का मतलब यह है कि हर ट्रॉफिक लेवल में आपके जो ट्रॉफिक लेवल में कोई भी ऑर्गेनिजम उसका एक अपना इंपॉर्टेंस होता है एंड अगर उसमें कोई एक लॉस कर जाए तो पूरा इंटायर फूड चेन या इंटायर इकोसिस्टम आपका डिस्टर्ब होगा कुल मिला के यहाँ पर हम इस फूड चेन में देखिएगा मान लीजिए सारे रैबिट अगर मर जाए तो होगा क्या अब फॉक्स जो है ना या वॉफ जो है ट्री को तो खाता है नहीं तो लाइन भी इसको नहीं खाता तो सारे जो है ना अब वोफ के पास कोई खाना नहीं बचा तो सारे वॉफ मर जाएंगे सारे वोफ मर जाएंगे तो सारे लाइन जो है आपका ख़त्म हो जाएगा अब सारे लाइन ख़त्म हो जाएंगे तो ट्रीज़ का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि वहां पे इम्बैलेंस क्रिएट होगा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हर ट्रॉफिक लेवल का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है कोई भी डिस्टर्बेंस अगर उस ट्रॉफिक लेवल में होता तो उसका असर जो है आपको इंटायर इको सिस्टम पे देखने को मिलता है और एक चीज़ पॉपुलेशन साइज भी साइज़ ऑफ पॉपुलेशन डिटरमाइन करता है आपका पोजिशन क्या है ट्रॉफिक लेवल में Beast जितना ऊपर जाएगा उतना पॉपुलेशन कम होगा किसी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में लाइन का पॉपुलेशन कम होता है एज कंपेयर टू दी आपका वॉफ उसी तरह से जो आपके वर्स होते हैं डियर हुआ वो उनका पॉपुलेशन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दी सेकेंडरी कंज्यूमर और सबसे ज़्यादा आपके प्रोड्यूसर्स के होते हैं तो जितना ऊपर जाएगा उतना पॉपुलेशन जो है ना टर्शरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर का कम होगा एज कंपेयर टू दी सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राइमरी कंज्यूमर मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो है ना आपके लिए यूज़फुल रहा होगा अगर ये वीडियो आपको लगता यूज़फुल है तो आप और उनके साथ भी शेयर करिएगा मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा थैंक यू सो मच सी इन नेक्स्ट वीडियो